क्या आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, क्या आप हाई कंसंट्रेशन से ज़्यादा समय तक पढ़ नहीं पाते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए ह्यूमन ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। मान लीजिए कि आपको बिरयानी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं डेली आपको बिरयानी खिलाऊँ तो एक दिन आप खाओगे, सेकंड दिन आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, थर्ड दिन भी शायद आपको अच्छा लगेगा, फोर्थ दिन, फिफ्थ दिन, सिक्स्थ दिन, सेवन्थ डे, एइथ डे, नाइन्थ डे, टेंथ डे में आपको नफरत हो जाएगा बिरयानी से। सेम रीज़न है आपका ब्रेन के साथ। एजुकेशन जो फील्ड है, अक्सर यह होता है कि एक ही चीज़, एक ही वर्ड्स बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपको स्कूल में नोट दिया जाता है, क्वेश्चन आंसर रट्टा मारो, क्वेश्चन आंसर पढ़ो समझो रट्टा मारो, ये जो सिंपल सा एक ही पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं ना, तो इसको जिससे क्या होता है, ब्रेन को वो चीज़ बोर लगने लगता है। एक तो देखिए, आप 24 घंटा सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक शायद आप कंटिन्यूसली उसी पढ़ाई करते रहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो पैटर्न को फॉलो करते हो, जिस तरीके से पढ़ते हो, वो बहुत ही बोरिंग लगता है ब्रेन को। इसीलिए क्या होता है, ब्रेन का एफिशिएंसी जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। मान लीजिए कि फर्स्ट डे एक दिन मैंने आपको बिरयानी खिलाया जो आपको अच्छा लगता, सेकंड डे मैंने आपको बिरयानी खिलाई वो भी आपको अच्छा लगता, थर्ड डे मैंने आपको पुलाव खिला दिया, फोर्थ डे आपने नॉर्मल कुछ खा लिया, पूड़ी वूड़ी कुछ खा लिया, फिफ्थ डे मैंने फिर से आपको बिरयानी खिलाया तो फिर भी आपको अच्छा लगेगा। तो उसी तरीके से जो है ब्रेन को जो है चेंजेस पसंद है, बदलाव पसंद है, सेम तरीके का पैटर्न या सेम तरीके का फॉलोअप जो है ब्रेन को पसंद नहीं है, इसको बोर लगने लगता है। और जब भी ब्रेन को कोई चीज़ बोर लगने लगता है तो उससे आपका ब्रेन का जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है, जिससे जो आपका एक्चुअल पोटेंशियल था उस पोटेंशियल तक आप पहुँच नहीं पाते हो। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, स्मार्ट 13 में हम लोगों ने क्या किया है, आपको पता ही होगा कि तो बाकी जो सारे कोचिंग सेंटर या ट्यूशन्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो आपको नोट्स दिए जाते हैं जस्ट क्वेश्चन आंसर शायद एक दो ट्रिक साथ होगा, लेकिन यहाँ पे टोटली अलग है। हमको पता है कि ह्यूमन ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, किस तरीके से एजुकेशन को एक्चुअली होना चाहिए, बच्चों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि पढ़ाई में मज़े भी आए प्लस बच्चे जो है अपना फुल पोटेंशियल को प्रेजेंट भी कर पाए। इसीलिए जो है स्मार्ट 13 में जो पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं उसमें एक होता है आपका कॉन्सेप्ट नोट, दूसरा होता है आपका रिविजन नोट, तीसरा होता है आपका ट्रिक नोट, फिर होता है आपका माइंड मैपिंग नोट, फिर होता है आपका वन वर्ड आंसर नोट, फिर होता है आपका प्रीवियस 5 ईयर्स चैप्टर वाइज बोर्ड का एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका नोट। तो इस तरीके से जो है हम लोग पूरा पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका जो ब्रेन का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पास क्योंकि अलग अलग टाइप के रिसोर्सेस है पढ़ाई करने के लिए, तो आप ज़्यादा समय तक लॉन्गर ड्यूरेशन तक पढ़ाई भी कर सकते हो, और क्योंकि इनके अंदर बहुत अलग अलग वेरिएशंस है तो आपका जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, ये भी हमेशा हाई रहेगा।